everyone, this is me Nandini Roy, your host and dost only on this channel. Well, Bhojpuri industry ke jane mane celebrated superstar mega star Khesari Lal Yadav controversy mein chhaye hue hain. Well, hua aisa ki kuch din pehle unhone apne Instagram aur baki aur social media par ek video post ki hai. इस वीडियो के जरिए वो अपने जनता से, अपने फैंस से, फॉलोअर से अपने दिल की बात कह रहे हैं। इस वीडियो में काफी ज्यादा वो भावुक नजर आ रहे थे, काफी चिंतित नजर आ रहे थे और काफी ज्यादा इमोशनल थे। क्या वजह है उनका इस तरह से टूट जाने का, क्या वजह है इतना परेशान हो जाने का? वजह यह है कि कुछ महीने पहले एक लाइव शो के दौरान खेसारी लाल यादव के करीबी दोस्त, करीबी मित्र ने एक ऑडियंस में जाकर, जो वहां पर और ऑडियंस आई थी, जो फैंस आए थे, उन्हीं में से किसी एक लड़के को पकड़कर खेसारी लाल के इस मित्र ने जोर से थप्पड़ मार दिया था। अब उन्होंने ये किस वजह से किया इसका तो कोई ब्यौरा नहीं है, लेकिन इस पूरे कॉन्ट्रोवर्सी से, इस पूरे इंसिडेंट से एक बवाल समझ गया, जिसके बाद बहुत गंदा धब्बा कह सकते हैं लग गया खेसारी लाल के पूरे चरित्र पे। क्योंकि जितनी मेहनत से उन्होंने काम किया, जितना उन्होंने बड़ा अपना नाम बनाया है, या कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को जिस मुकाम पर वो लेकर गए, सब पर पानी फिर गया। क्योंकि ये विवाद उनका पीछा अब तक नहीं छोड़ पाई है, क्योंकि इसके बाद जितनी भी एंटी पार्टीज हैं, जितनी भी राजपूत समाज हैं, सब के सब पीछे पड़ गए हैं हाथ धोकर खेसारी लाल यादव के। उनको आज काम नहीं मिल रहा, जहां वो 30 से 40 गाना गाया करते थे महीने में, आज वो सिर्फ 10 गाने गा रहे हैं। उनके गाने 200 से भी ज्यादा डिलीट कर दिए गए हैं और काफी सारे उनके अनरिलीज सॉन्ग्स बार बार डिलीट हो रहे हैं और उन अनरिलीज सॉन्ग्स को कोई और गा दे रहा है। मतलब उनके साथ कुल मिलाकर बहुत गलत हो रहा है और बहुत ज्यादा इनजस्टिस देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा टूट चुके हैं खेसारी लाल यादव। और अब हम आपको बता दें कि वीडियो में अगर एक नजर हम खेसारी लाल यादव के इस रीसेंट पोस्टेड वीडियो की बात करें, जहां वो खुद अपने ऑडियंस से रूबरू हो रहे हैं और काफी ज्यादा दिल की बात कह सकते हैं कि दिल को खोलकर, भावुक होकर, इमोशनल होकर बातचीत करते हुए नजर आए हैं, क्या वजह है उनको इतना बड़ा स्टेप लेने का कि खुद रूबरू हो रहे हैं ऑडियंस से? काफी ज्यादा उन पे चोट पहुंची है, काफी ज्यादा उनके साथ नुकसान हो रहा है। उस वीडियो में वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मेरा परिवार जो है अब बहुत अफेक्ट हो रहा है, मेरा काम अफेक्ट हो रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो रही है, मेरा मेंटल पीस भी जा रहा है। वो कहते हुए नजर आते हैं कि अगर आप सभी को लगता है कि मैं भोजपुरी समाज के लिए कुछ कर नहीं पाया या आप लोगों को ढंग से एंटरटेन नहीं कर पाया, तो मुझे प्लीज आप ये बात बता दें, मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी इस इंडस्ट्री को छोड़ने में। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मैं इतना काबिलियत है मुझ में और मैं इतना मेहनती हूं कि मैं किसी भी दुनिया की इंडस्ट्री में जाकर मेहनत करके वो मुकाम फिर से बना लूंगा जो उन्होंने बहुत ही मेहनत से भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाया था। काफी चोट पहुंचा है उन्हें, काफी ज्यादा दुख में नजर आए हैं और बार बार वो इसी बात की गुहार लगा रहे हैं कि मेरी बेटी को कृपया करके इस पूरे विवाद में ना घेरें, उनका कोई ताल्लुकात नहीं है इस पूरे विवाद से, जो कहना है मुझे कहें, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे परिवार को ना घसीटा जाए इस पूरे विवाद में। क्योंकि हो ये रहा है कि लोग खेसारी लाल यादव की जो बेटी है, काफी छोटी है, वो क्यूट सी बेटी है, उनकी कृति नाम है, उनके तस्वीरों को अश्लील तरह से यूज किया जा रहा है, बहुत ही खरी खोटी बातें कही जा रही है उनकी छोटी सी बेटी के बारे में, और ये कोई भी बाप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सरासर ये चीज बहुत गलत है और बहुत ही सही कहा है उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको लगता है कि मैं काबिल नहीं हूं इस इंडस्ट्री के, तो मुझे इस इंडस्ट्री से बेदखल कर दिया जाए या मैं खुद छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन हर दिन का ये मेंटल टॉर्चर ना दिया जाए, उनके करियर के बीच ये लोग ना आए, इस तरह से जो है अटकलें ना लगाएं और कुछ भी ना कहें, जो बात कहना है साफ सुथरे ढंग से सामने कहें। लेकिन ऐसी जो कॉन्स्पिरेसी जो बनाई जा रही है, इनके पीछे से जो दुश्मन लग गए हैं, जो उनके परिवार को, इनके करियर को, इनके काम को, सबको बिल्कुल चौपट करना चाहते हैं, इससे वो टूट गए हैं और काफी भावुक थे। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश, पूरे वाक्या से हमें एक बात जरूर समझ में आती है कि पब्लिक फिगर होना उतना ही एडवांटेज देता है जितना कि डिसएडवांटेज देता है। यहाँ पे सक्सेस चकाचौंध जरूर मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ वो काला साया भी आपको घेर लेता है।
बहुत ज्यादा आपके लिए क्रिटिसिज्म होती है, काफी बातें बनाई जाती है और आप कब सक्सेस की तरफ हैं और कब आप फेलियर की तरफ आ जाए इसका आपको अनुमान भी नहीं लगता है। इसलिए तो कहते हैं कि पब्लिक फिगर होना आसान बात नहीं है। वेल, खेसारी लाल यादव से हमें इतनी उम्मीद जरूर है कि उनकी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करें और जल्द से जल्द इस पूरी प्रॉब्लम से बाहर निकल के एक अच्छी फिल्म, एक अच्छे म्यूजिक वीडियो के साथ अपनी वापसी करें। मोर पावर टू खेसारी लाल यादव। और आप हमारे चैनल पर बने रहें क्योंकि ऐसे ही गॉसिप, ऐसे ही मसालेदार खबरें भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं आप तक पेश करती ही रहूंगी। थैंक यू।